हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम देखेंगे इग्नू का डिप्लोमा कोर्स DECE 1। उसके DECE 1 जो पेपर होता है उसके लिए जो बुक है, फर्स्ट बुक खंड एक, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और हमें किस तरह से उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एग्ज़ाम में आपके टू मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के या 15 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उस तरह से हमने भी शॉर्ट क्वेश्चंस को लिया है, 5 नंबर तक के क्वेश्चंस को लिया है इसमें। और इसमें भी अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी आए तो उसमें भी आप अपनी लाइंस थोड़ी सी ऐड करके, अगर आपको क्वेश्चन का पता हो कि किस तरह से इनकी आंसर लिखते हैं तो उसमें आप ऐड करके आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। बाल श्रम से क्या तात्पर्य है समझाइए। बाल श्रम से क्या तात्पर्य है समझाइए। बाल श्रम से का अर्थ, तात्पर्य, परिभाषा कुछ भी आएगा तो उसमें आपने ऐसे ही लिखना होता है। बाल श्रम शब्द का प्रयोग उन बच्चों के लिए किया जाता है जो कि शोषणकारी अवस्थाओं में काम करते हैं। वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियों में कठिन और खतरनाक काम करते हैं जिसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उन्हें पर्याप्त मजदूरी भी नहीं मिलती है और इन्हीं कार्यों में लगे रहने के कारण वे न तो खेल सकते हैं और ना ही अपना मनोरंजन कर सकते हैं और ना ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बाल श्रम का क्या मतलब है। बाल श्रम का मतलब ऐसे बच्चों का शोषण करना, एक तरह से शोषण करना, और उनको ऐसे खतरनाक कामों में लगाना जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और उनको जो है खेलने का, पढ़ने का, अपनी शिक्षा प्राप्त करने का समय भी नहीं मिल पाता है। और इसके साथ साथ जो है, जो ऐसे ही जगह पर बच्चों को कामों में लगाया जाता है, वे उन्हें उनके कामों के हिसाब से उनको मेहनताना भी, उनकी मजदूरी भी नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बाल श्रम के अंतर्गत आती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कोई 3 सामान्य आचरण बताइए जिनसे ये ज्ञात हो कि बच्चे, शहरी बच्चे के अनुभव एक गांव में रहने वाले बच्चे से किस तरह से भिन्न हो। तो ऐसे एग्जांपल्स देने हमने हमने कि जिससे हमें पता लगता है कि शहर में रहने वाले बच्चों के आचरण, उनका जो व्यवहार होता है वो गांव में रहने वाले बच्चे से किस तरह से भिन्न होता है। तो एक शहर में रहने वाले बच्चे, उत्तर है, एक शहर में रहने वाले बच्चे का अनुभव निश्चित रूप से गांव में रहने वाले बच्चे के अनुभव से भिन्न होता है क्योंकि शहर में जीवन की रफ्तार तेज़ है। शहर में हर चीज़ जल्दी जल्दी होता है, काम जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं क्योंकि सुविधाएं होती है। तो उस तरह से बच्चा भी, उनका जो आचरण होता है वो भी उससे प्रभावित होता है। शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक सामान और सुविधाएं उपलब्ध होती है। अस्पताल, परिवहन, स्कूल गांव में कम होते हैं जिससे बच्चों का जीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता है। तो गांव के कंपेयर में शहर में जो है सुविधाएं और सामान अधिक होता है तो बच्चा भी उस तरह से आचरण करता है क्योंकि उसके पास हर फैसिलिटी उपलब्ध होती है, जैसे कि अस्पताल है, परिवहन है, आने जाने की सुविधाएं, गाड़ियाँ होती हैं अपने पास। तो गाँव में लोगों को, बच्चों को चल कर जाना पड़ता है, स्कूल के लिए भी जाना है तो चल जाना है, दूर दूर स्कूल होते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो है गांव के और बच्चों के जीवन में, गांव के बच्चे और शहर के बच्चे के जीवन में अंतर पाया जाता है। परिवार और जाति समूह के बीच सीमाएं ज़्यादा कड़ी नहीं होती, अतः बच्चा दिन का काफ़ी समय अन्य घरों में उनके साथियों के साथ बिताते। तो गांव के बच्चों के जो जो है परिवार की ज़्यादा जो है सीमाएं कड़ी नहीं होती है, जाति समूह की सीमाएं कड़ी नहीं होती। जैसे कि बच्चा एक घर से दूसरे घर में खेल रहा है, पड़ोस में जा रहा है, कोई इतनी ज़्यादा सीमाएं वो नहीं है, पाबंदियाँ नहीं है, अपनी शहर में पाबंदियाँ होती है। तो इस वजह से जो है अच्छे से वो अपने साथियों के साथ खेल सकता है, तो इससे उसके आचरण पे भी प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने अनुभवों व स्मरणों में निम्नलिखित का एक उदाहरण इस स्थान पर लिखिए, नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। तो जो ये बच्चों में उत्सुकता और बच्चों द्वारा वयस्कों की नकल, इनका जो है एक एक उदाहरण हमने देना है अपने अनुभव से, अपने हिसाब से देना है हमने, ठीक है। तो बच्चों में उत्सुकता का एक उदाहरण देखो। बच्चों में उत्सुकता के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे कि बच्चों में अपने खिलौनों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है और जब उन्हें पता चलता है कि उनके मम्मी या पापा उनके लिए नया खिलौना लाने वाले हैं तो वे बहुत उत्साहित हो जाते हैं और अपने खिलौने का इंतज़ार करने लगते हैं। तो बच्चों में अगर उत्सुकता देखनी है, उसका एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है खिलौने का। खिलौने के लिए बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कितने उत्सुक होते हैं, सबको पता है।
तो जैसे ही उनके मम्मी या पापा उनके लिए कोई नया खिलौना लाने वाले होते हैं तो हर बच्चा बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और अपने खिलौने का इंतज़ार करने लगता है। तो उत्सुकता का एक एग्जाम्पल है ये, बच्चों द्वारा वयस्कों की नकल। अब बच्चों में नकल की जो करने की क्षमता होती है काफ़ी तीव्र होती है और वे अक्सर अपने से बड़ों की नकल करके चीज़ों को आसानी से सीख लेते हैं, जैसे कि अक्सर बच्चे करते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण है, छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो बड़े ध्यान से बड़ों को देखता है और फिर वही शब्द नकल करके बोलने की कोशिश करता है। इस तरह नकल करके वह विद्यालय जाने से पहले ही भाषा सीख जाता है और बोलता है। देखो, नकल करने का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है भाषा को किस तरह से सीखता है बच्चा, नकल करके ही सीख जाता है, क्योंकि वो जब स्कूल विद्यालय जाता है उससे पहले ही अपनी मातृभाषा सीख जाता है। कैसे सीखता है? नकल करके। हर वर्ड को वो बड़े ध्यान से देखता है और फिर उसको कॉपी करके बोलने की कोशिश करता है। तो यह है हमारा अगला क्वेश्चन, बच्चों के व्यवहार के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, बताइए वे विकास के किस वर्ग में आते हैं। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों के व्यवहार के, अब हमें बताना है कि किस वर्ग में आते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है, बालक बल्ले से गेंद को मारता है। अब बच्चा है वो बल्ले से गेंद को मारता है, तो किस किस वर्ग में आएगा विकास के? तो ये आएगा शारीरिक विकास के वर्ग में। तो नेक्स्ट है, 5 वर्षीय बालिका यह समझने लगती है कि पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है जबकि घास का तिनका तैरता है। तो बच्ची, छोटी सी बच्ची है 5 वर्ष की, उसको समझ आ जाती है बात की पत्थर जो है पानी में डूब जाता है जबकि घास का तिनका तैरता रहता है। तो इस तरह से उससे क्या लगता है उसको पता, संज्ञात्मक विकास का पता लगता है। बालिका मित्रों के साथ खिलौने बांटकर खेलती है, इससे उसका सामाजिक विकास के वर्ग का पता लगता है। 4 वर्ष की बालिका रंगों को पहचान सकती है। तो रंगों को पहचान सकती है, इसका मतलब उसका ज्ञानात्मक विकास तेज हो रहा है। तो बालिका उम्र के साथ लंबी होती जाती है, तो इससे क्या लगता है पता हमें, शारीरिक विकास हो रहा है बालिका का। बालिका व्यक्तियों से मिलने पर उनका अभिवादन करती है, तो इससे हमें पता लगता है उसका उसका सामाजिक विकास हो रहा है। किसी से मिलने पर, किसी कोई आने पर अभिवादन करने से पता लगता है कि सामाजिक विकास हो रहा है। बालिका वस्तुओं के नाम सीखती है, भाषा संबंधी विकास। भाषा संबंधी विकास हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के मानदंड की परिभाषा दीजिए, बताइए कि बाल विकास का अध्ययन आपके लिए कैसे उपयोगी होगा। तो विकास के मानदंड की हमें परिभाषा देनी है और बताना है कि बाल विकास का अध्ययन हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होगा। तो मानदंड औसत आयु वर्ग के कुछ खास योग्यताओं को प्राप्त करने का संकेतन है। मानदंड से क्या लगता है पता, कुछ जो जैसे कि कुछ खास योग्यता किस उम्र में बच्चा प्राप्त कर लेता है, ये एक मानदंड रखा गया है कि 5 साल की आयु तक उसे ये आ जाना चाहिए, 2 साल की आयु में मतलब उसके दांत आ जाने चाहिए। तो ये एक मानदंड है। बाल विकास का अध्ययन विकास में सार्वभौम स्वरूप के विवरण और बच्चों में व्यक्तिक भिन्नताओं की जानकारी में सहायक होता है। जैसे कि हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि सभी स्वरूप, जैसे बाल विकास के सारे स्वरूप किस तरह से, वो संज्ञात्मक विकास है, भाषात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, हर स्वरूप का हमें पता लगता है। और व्यक्तिक भिन्नता, हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न है, किसी कोई कोई एक पर्टिकुलर चीज़, एक खास चीज़ को किसी एज में उसको आ जाती है जबकि दूसरे को नहीं आती है, तो उन व्यक्तिक भिन्नताएँ होती, तो ये अध्ययन करने से हमें पता चल जाता है। इससे मानव व्यवहार की बेहतर जानकारी मिलती है जो कि बच्चों के साथ साथ दिन प्रतिदिन अंतक्रिया करने में सहायक होती है। जब हमने बच्चों के बारे में अध्ययन किया होगा और फिर हम बच्चों के साथ समय बिता रहे होंगे तो उनके साथ हमें पहले से ही पता होगा कि किस तरह का व्यवहार बच्चा करेगा या फिर उनके साथ अंतक्रिया करने में हमें सहायक होगी अगर हमने अध्ययन पहले से किया होगा। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के महत्व के 3 कारण बताइए। तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। देखो, बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि इन वर्षों के अनुभवों का भविष्य के व्यवहार पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बाल्यावस्था 5 वर्ष की आयु तक या 10 वर्ष की आयु तक बच्चा जो सीखता है, खासकर 5 वर्ष की आयु तक जो बच्चा सीखता है, उसका पूरा का पूरा जीवन उस पर निर्भर करता है, क्योंकि उसका उस वो जो अनुभव है उसका आगे के जीवन पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है।
इस समय में विकास की गति तीव्र होती है और बालिका हर क्षेत्र में कुछ बहुत कुछ सीखती है। अतः इन वर्षों में अनुकूल और प्रतिकूल अनुभवों से क्रमशः विकास को प्रोत्साहन मिलता है। चाहे उसका किसी तरह का भी अनुभव हो, चाहे वो गिर रहा हो, प्रतिकूल अनुभव हो या अनुकूल हो, अच्छे अनुभव हो, इस हर चीज़ से बच्चा सीख रहा होता है। और 5 वर्ष की आयु तक खासकर बच्चा हर चीज़ उसकी विकास की गति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर चीज़ से बहुत तीव्र होती है। इसलिए ये अवस्था जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मुझे आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी और इस तरह से क्वेश्चंस को अपने नोट्स बनाने होते हैं। थैंक यू।